चलो भाई, सूख तो गया होगा ना सिपी? सूख गया होगा, तुम डालो पानी, बस काफी हो गया, एक दिन पूरा हो गया है। तो अभी दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, अपनी डक्स के पूल में पानी डालने वाले हैं, और अब हमारी डक्स नहाएंगी, आपको दिखाएंगे। दोस्तों आ जाओ भाई, डक्स तुम्हारे घर में हम लेके आ गए, पानी और पूल में आप डाल रहे हैं, आ जाओ देखते रहो। पूल में डाल दो पानी। चलो भाई मजे से नहाना, शाबाश। पूरा पूरा डाल दो, पूरा डाल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे वो अभी तो फुल हो गया है ना। हो गया। तो यार हमने पूल के अंदर पानी डाल दिया है, कल ये गीला था इसकी वजह से नहीं डाला था, आज डाल दिया है, अभी थोड़ी देर में आएंगे और नहाएंगे। देखते हैं, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा दोस्तों, देखेगा आ जाएंगे। तो यार ये वाला घर तो आरजी घर है, इससे भी अच्छा घर हमने बनाना है न्यू मिनी जू में हमारी डक्स के लिए। और भी डक्स लाएंगे, और भी एनिमल्स लाएंगे, और सबके नए नए प्यारे प्यारे घर बनाएंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारी डक्स ना पूल में चली गई, अब नहा रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हम करीब जाएंगे तो ये वापस बाहर आ जाएगी। हम ऐसा ऐसा करीब जा रहे हैं और देखिएगा फौरन ये बाहर आ जाएंगे, जो मुझे लगता है। तुम हट जाओ, तुम चले जाओ। आ गई ना, यही तो है, डर जाती हैं, डर जाती हैं। चले यार ये तो अच्छा हो गया, इनका पूल शूल तो बन गया, अब टेंशन नहीं है। अब हम जाते हैं अपने न्यू वाले मिनी जू में और वो आपको दिखाते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो अभी दोस्तों हमारी फियोना हमारे न्यू वाले मिनी जू में बैठी हुई है और इसका दोस्त ऐश छत के ऊपर बंद है। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है भाई, हम 2-3 दिन के बाद इनको मिलवाएंगे। भाई आपस में इतने लड़ रहे थे ना कल रात को, इतना इन्होंने शोर किया, इतना शोर किया ना, हम रात के टाइम उठ के गए इनके पास, इनको अलग अलग किया, फिर जाके सुकून में आए ये। तो अब हमारी फियोना इधर ही बंद हुई पड़ी है, हम 1-2 दिन तक देखेंगे, ठीक हुए क्या हुआ, ठीक हो गए तो फिर हम इनको एक साथ बंद करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखें कैसा काम हो रहा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है यार, फियाज भाई दिल से काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है सिप्तान, यहाँ से तो अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी प्यारा लग रहा है। नहीं नहीं हम मतलब वही कह रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ यार। अभी कलरिंग वगैरह होनी है, बाकी सोचो अगला घर, ये तो बस तकरीबन बनने वाला है, नेक्स्ट सोचो वहाँ से बनवाना है या यहाँ से बनवाना है। मैं तो कहता हूँ कैसी के लिए घर बनवा लेते हैं। कैसी के लिए? हाँ कैसी को तो हमने वापस करना है भाई। हाँ यार ये भी तो है यार, अब आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम कैसी को वापस कर दें या कैसी के लिए उधर कोई घर बनवा लें, आप बता दें यार। वैसे दिल तो नहीं करता कैसी को वापस कर दें, क्योंकि यार 8-9 महीने हो गए हमारे पास है तकरीबन, तो दिन ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता यार। सिद्धांत तुम क्या कहते हो? क्या करें यार, मारती जो है फिर क्या, मारती तो बहुत है भाई, चित्ती है। कभी दिल करता है वापस कर दे, कभी दिल करता है रख ले, कंफ्यूज है ना अभी तक। खुल गई फियोना भी, खुल गई, इसको बंद करो भाई। खुल। हाँ चलो भाई फियोना बंद हो जाओ, चलो फियोना जाओ जाओ यहाँ से। ओए गंदी क्या कर रही हो ये तुम, देखो कैसे कर रही है। और अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ ये घर हम किस चीज का बनवा रहे हैं। सिप्तान भाई आप बता दो। शुक्र है तुमने बताने का सोच लिया है, काफी टाइम से यार लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिर किस चीज का घर बन रहा है ये। यार ये बन रहा है हमारे एनिमल्स का घर, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये, वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। सिप्तान जरा मैं तुम पकड़ो, मैं बता देता हूँ। जी सही बताए सर। अच्छा तो ये जो घर है दोस्तों, ये है हमारे गोट्स के लिए और साथ में हमारी डेयर मतलब हिरन वगैरह, हिरन की मुख्तलिफ ब्रीड्स हम रखेंगे, जगह छोटी है लेकिन कोशिश करेंगे रखने की, अगर नहीं एडजस्ट हो पाएंगी तो फिर हम दूसरी जगह रख देंगे उनको। तो फिलहाल आपको कैसा लग रहा है यार घर? बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। अभी से देखो यहाँ पे घास होगा, होनी है लकड़ी की फ्रेमिंग होनी है, घास लगाना है यहाँ पर, उनके खाने के बर्तन रखने हैं भाई, वो भी लगाने हैं हमने, छत लगवानी है, दरवाजे लगवानी है, खिड़कियां लगवानी है। 80% नहीं 70% बन गए, बाकी 30% रहता है, मेन फिनिशिंग करनी है हमें। तो अभी हम इसको ना फियोना को बांध देते हैं, सही है? Okay. तो बाकी आपको कैसा लगा ये बता देना कमेंट बॉक्स में। तो आपको याद होगा दोस्तों कुछ ही दिन हुए हमने ना मिनी जू में आड़ू का पौधा लगाया था, और इस पौधे के ऊपर इतना पत्ते नहीं है जितना इसने फल के लिए फूल उठाए हुए हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों ये सारे फूल उठाए हुए, उसने आखिर तक ऐसे फूल जा रहे हैं, जहाँ वहाँ फल होगा। जी भाई जहाँ जहाँ फूल वहाँ वहाँ एक आड़ू लग जाएगा भाई, ये तकरीबन 3-4 माह में कंप्लीट होगा, फुल गर्मियों में मतलब फुल गर्मियों में। हाँ, आड़ू खाएंगे, आड़ू खाएंगे भाई, ऐसा पॉसिबल है? हमने आज तक कोई फल नहीं खाया अपने हाथों से उगाया हुआ। तो कल काफी भाई हमें कह रहे थे कि इस छतरी के ऊपर एक कपड़ा लगा है, फिर जाके आपके कबूतर आप ट्रैप कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इस छतरी के ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे कलरफुल, फिर हमारे कबूतर दूसरे कबूतरों को पकड़ने में कामयाब होंगे। आज रानी का दोस्तों मैंने सोचा दूध मैं निकालूंगा, वैसे तो नवीद भाई निकालते हैं, आज मैं कोशिश करूंगा क्योंकि रानी हमारी बहुत ज्यादा शरीफ है, किसी को कुछ भी नहीं कहती, आज मैं निकालने की कोशिश करूंगा और देखता हूं कि मैं दूध निकाल पाता हूं और कितना निकाल पाता हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ भी रानी तैयार हो जाओ, तुम्हारा दूध आज मैं भी निकालूंगा। और सिप्तान पता है इधर आओ भाई, आज पता है बहुत बड़ा जुल्म है,
जुल्म क्या है? तुम्हें आता है? क्यों नहीं आता? गैया का मैंने निकाला था, आता है मुझे। वो तंग बहुत ज्यादा करती, गुस्से पीती। यार रानी के ना, एक तुम्हें बात बताऊं, रानी के सींग बहुत ज्यादा मुड़ रहे हैं और इसके सींग मुझे लगता है कि स्किन में जा रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं इधर, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रानी के सींग। एक मिनट रानी, एक मिनट, कुछ भी नहीं करूंगा। ये देख रहे हैं, ये इसकी स्किन में जा रहे हैं सींग। मुझे लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है। ये देखो यार सत्यन, बाकी में स्किन छिली हुई है थोड़ी थोड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसके हम सींग कटवाएंगे, सींग कटवा सकते हैं इनके? नहीं कटवा सकते, कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरली होता है भाई। तो यार आप सबने कमेंट्स में बताना है कि हम इसके सींग कटवाएं या ना कटवाएं। तो आप कह रहे हैं कटवाएं, मैं कहता हूँ ना कटवाएं। आप सबने बताना है, जिस तरह तो आप कह रहे हैं इसकी स्किन में जा रहे हैं सींग, तो इनको कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए? भाई कटवाना ही पड़ेंगे, तुम्हें कमेंट में पता चल जाएगा। ओके भाई, ओके। खैर यार ये तो काम कल कराएंगे सींगों वाला, लेकिन आज रानी का दूध निकालूंगा मैं और देखेगा कैसे निकालता हूँ मैं। यार हमारी मुर्गियों के काम देखें, कैसी के घर में आती हैं, अंडे देके चली जाती हैं। अब इनको उठाना इतना ज्यादा रिस्की है, डर लगता है। हम अंडे उठा रहे हो, पीछे से कैसी और हमें टांग मार दे। भाई ये काम तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। तुम यार, तुम्हारी दोस्त रह चुकी है। मेरी दोस्त रह चुकी है ना, अब तो दुश्मन बनी हुई है। क्या पता एहसास हो जाए, नहीं होता यार। मार कह रहे यार, कोशिश करते हैं अंडे उठाते हैं। यार उठाना तो लाजमी, इनको खराब हो जाएंगे। चलो, तुम जाओ। यार इधर से मैं कैसी को देखता रहूंगा, इधर से तुराब जाएगा और वो वाले अंडे उठा के आएगा। कैसी सीधा देख रही, तुम्हें निशाना बनाई खड़ी है तुराब, टारगेट तुम हो उसका। क्या क्या क्या, सिर्फ अंडे उठाऊंगा, चला जाऊंगा। देखते हैं, प्लीज कैसी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अभी देखते हैं तुराब के साथ क्या हशर होने वाला है दोस्तों, तमाशा देखते हैं मिलके। यार मैं रस्सी पकड़ लेता हूँ बस, और बताओ ये पकड़ी हुई। अच्छा वहां से पकड़ो, इधर आओ। कैसे तुम इधर आओ, शाबाश, इस साइड पे आओ, इधर मुंह करो। ओए वो मुंह से कुछ नहीं कहती, मारती टांगे है वो, उसकी टांगों को पकड़ना पड़ेगा। तुराब का क्या होगा अब, छोड़ू कैसे तुम्हारे ऊपर। ओ भाई ये कुछ करेगी। कितने अंडे हैं? दो अंडे हैं। चलो शुक्र है यार, बच गया तुराब, बच गया। तो यार यहाँ से मैं कुछ सब्जियां तोड़ रहा हूँ, मूली है यहाँ पे, आ जाओ ये खाएंगे हमारे खरगोश। ये लो भाई, ये तुम खा सकते हो, इसमें ग्रीनरी भी है और सब्जियां भी हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चलो शाबाश, सब आके खा लो, सबको पसंद आएगा यार ये वाला खाना। तो यहाँ पर देखें यार, ये वाला कबूतर पहले यहाँ पर बैठा होता था, इनके माँ बाप ये बैठे हुए हैं, और ये आजाद हो गया भाई, खुद जंप किया इसने। अब इसको मैं वापस के उसमें रख देता हूँ, नेस्ट के अंदर, ये ना के ऊपर ना चढ़ पाएंगे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ना तुम उड़ नहीं सकते, ऐसे जंप कर दिया तुमने। शाबाश। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, अरे इधर आ जाओ ना यार, आ जाओ, शाबाश। चलो इसके माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया, ऊपर उठ के कैसे आएगा। लेकिन मैं हूँ ना, मैं इसको वापस रख देता हूँ घर के अंदर। ये देखो जाओ वापस, इधर बैठो आराम से, जब तक पूरा उड़ नहीं जाते ना, नीचे नहीं आना। हाँ जी, चले गए थे यार, तुम्हें आता है वाकई तुराब? तो निकाल रहा हूँ लेकिन नहीं, स्लो स्लो आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा भाई तुराब। मैं भी कर सकता हूँ तुम्हें पता है। नहीं तुम ना करो, ये डर जाएगी, फिर दूध सारा का सारा अपना वापस ऊपर ले लेगी। हट जाओ हट जाओ हट जाओ यार, नवीद भाई खुद है, मुझे नहीं आ रहा यार, ऐ शौखे हो रहे थे तुम, तुमने कहा मैं सारा दूध निकालूंगा। हम हाथ भी नहीं लगाते इसका दूध, खुद ब खुद थनों से आ रहा होता। नवीद भाई दिखाएं जरा, ये देखो गिर रहा है, खुद 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 दूध दे रहा है। ये तो ऑटोमेटिक मशीन है भाई है? ये देखो यार माशाल्लाह, मतलब क्या बात है यार, ज्यादा दूध है ना, इतनी मोटी है, देख लो खुद तुराब, दूध तो आना है। और यहाँ पर देखें, मुर्गियों को मिल गया है मौका, क्योंकि रानी यहाँ पर नहीं खड़ी ना, तो इनको मौका मिल गया है खाना खाने का। उसके खाने में से ना अच्छी अच्छी चीजें निकाल के खा रहे हैं, दाने वगैरह, यानी कि गंदुम हो गई, बाजरा वगैरह कुछ भी है ना, ये सारा अंदर से ढूंढ के निकाल के खा रहे हैं उसका खाना। मुर्गियां तो मुर्गियां, और तो और ये खरगोश भी आ गए खाने के लिए, और सारे डर के भागे, वापस आ जाओ खा लो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, और मैं और तुराब आपको एक चीज बताते हैं इस मिनी जू के बारे में, कितना दिन बाकी है इसको। इसको यार तकरीबन बाकी हैं तकरीबन चंद महीने, अभी नहीं टूटता जब तक वो वाले घर कंप्लीट नहीं होते, जैसे कि कैसी का घर हो गया, ऐश और फियोना का, छुटकी, रानी, सब का, क्योंकि इनको तो शिफ्ट करना है वहां पर, हम खुले सहम में तो नहीं रख सकते सबको। इसका मतलब ये हुआ अभी काफी टाइम है, इसको तोड़ना नहीं है अभी फिलहाल। तकरीबन जब तक वो वाला जू नहीं बनता ना हमारा प्रॉपर,
तब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं, है ना। क्या पता इतने दिन में हमारा माइंड चेंज हो जाए, ये भी तो हो सकता है। ना तोड़े ना तोड़े, ऐसा भी हो सकता है। प्लान बना लें, घर वालों को राजी कर लें, ये भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि टूटेगा, ये जो टूटेगा वाले कह रहे हैं ना, मुझे पता कुछ माननी पड़ेगी उनकी बातें भी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बात सुनो, ये जो घर है ना, इसका डिजाइन तुम देख लो, कलर कैसा करना है भाई उनका, सही है, कलर कैसे करना है और इसकी बाड़ वगैरह का सारा स्टाइल देख लो भाई। मैंने पहले से देखा हुआ है, पूरा डिजाइन रेडी है, बस बनाने की देरी है। अच्छा ठीक है, बन जाएगा। अच्छा।